Which may be considered as the best goal that brings you back to yourself. Good morning, friends. Currency Daily Analysis पे आप सभी का स्वागत है. आज 31st of January 2023. One more day before the budget, the FOMC rate decisions are going to be hitting the market. मंडे को देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है. मार्केट इन कंसोलिडेशन मोड. डॉलर इंडेक्स 102.19 कंसोलिडेशन रेंज के अंदर में ही है और लगता नहीं है कि मेजर कोई ब्रेकआउट होगा जस्ट बिफोर द मेजर इवेंट्स दैट इज एफओएमसी रेट डिसीजंस. सो तब तक हमें इंतजार करना है ये कंसोलिडेशन के बाद क्या ये ऊपर जाता है या नीचे आता है. यहाँ पे एक पिन बार देख रहे हो डेटेड 18th of January. डोजी कम पिन बार उसके अंदर में ही प्राइस रिटेन हो चुका है. सो ये जो डोजी कैंडल है 18th January वाला इसके ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम इसके नीचे एक डाउनवर्ड मोमेंटम. डॉलर रुपी भी काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है नीचे 30-35 एंड ऊपर 75-80. बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है. कल का बजट इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडियन मार्केट एंड एफओएमसी रेट डिसीजंस फॉर द ग्लोबल मार्केट. सो इसके बाद ही आर या पार डॉलर रुपी होने का प्रयास हो सकता है. एक छोटा सा चीज जो हमें देखना है दैट इज द आरएसआई. आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पे क्या बिहेव कर रहा है ये रेंज शिफ्ट का एक इंडिकेशन है. तो हमें देखना है क्या ये यहां पे सपोर्ट लेके हेडिंग टुवर्ड 60 या यहां पे कंसोलिडेशन करने के बाद वंस अगेन इट इज ब्रेकिंग डाउन बिलो 40 लेवल. These two things we need to wait and watch for dollar rupee further cues. GBP dollar 1.2360. One more consolidation. Ye dekho 18 January ka another pin bar candle here. It's not a doji candle. It's a pin bar candle. Is candle ke andar mein hi 8 candle ho chuka hai. Aaj ka 9th candle hai. So this candle ka high and this candle ka low that is 1.2436 on the higher side and 1.225 on the lower side. Upar iske breakout ke upar ki taraf hum ek acha khasa upar ki taraf momentum dekh sakte hain towards your 1.27. नीचे के तरफ वी में एक्सपेक्ट डाउनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 1.21. इंतजार रहेगा. जीबीपी आईएनआर ये भी कंसोलिडेशन कर रहा है. काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है. यहां पे अगर इसको नीचे जाना है तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा. एंड ये जो आरएसआई डेली है जो 60 के आसपास होवर अराउंड कर रहा है यहां पे रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज़ अगर इसको नीचे जाना है तो आई एम नॉट टेलिंग कि इसको नीचे ही जाना है. नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग हायर इज अपवर्ड इज आल्सो वेरी मच. लेट अस डिस्कस. यहां पे 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है आपका जीबीपी आईएनआर है नॉट जीबीपी डॉलर. जीबीपी डॉलर जो है ऑलरेडी 60 को ब्रेक करके ऊपर है 62.50. सो यहां पे ऊपर की तरफ जाने का प्रयास एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. लेकिन डेली टाइम फ्रेम में मेजर इवेंट है. मेजर इवेंट के बाद अगर नीचे आना है तो इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा एंड आरएसआई को नीचे की तरफ आना पड़ेगा. यूरो डॉलर भी
इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, कौन सा है, 1.08 एंड 1.0950। आरएसआई देखोगे ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60, ये अगर सपोर्ट ले लेता है एंड ऊपर की तरफ जाता है, वी में एक्सपेक्ट ए गुड अपवर्ड मोमेंटम इन दिस इंस्ट्रूमेंट। अभी देखने वाला बात है आफ्टर द एफओएमसी ऑन फर्स्ट, सेकेंड को बीओई का भी रेट डिसीशन है एंड ईसीबी का भी रेट डिसीशन है। सो उसके बाद यानी थर्सडे का ईसीबी के बाद यूरो में एक धमाका हो सकता है, प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा क्या ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है। प्रोबेबिलिटी ये ऊपर जाएगा अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करता है समथिंग लाइक दिस, उसके लिए हमें इंतजार रहेगा। यूरो आईएनएच ये 60 पे रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है, सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस इज ऑल्सो देयर, मल्टीपल डाइवर्जेंस नॉट ए सिंगल डाइवर्जेंस, मल्टीपल डाइवर्जेंस एंड रेंज शिफ्ट। ये आपका यहां पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, छोटा एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना लेते हैं दिस वन। तो यहां पे बेसिकली तीन सपोर्ट लाइन्स है, एक है ये छोटा वाला सपोर्ट लाइन फॉलोड बाय, इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो ब्लू कलर का छोटा, ब्लैक कलर का मीडियम टर्म एंड रेड कलर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट। सो यहां पे देखोगे जो ब्लैक कलर का मीडियम टर्म सपोर्ट लाइन है उसके बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, इसको अगर नीचे जाना है, क्यों नीचे जाना है, क्योंकि ये रेड है मल्टीपल डाइवर्जेंसेस अलोंग विथ रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है, अगर करता है देन एक शार्प सेलिंग इंटर एक्सपेक्टेड है किधर की तरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल टूवर्ड्स 86.1992। क्या होगा नहीं होगा हमें इंतजार है, बिकॉज मेजर इवेंट्स पाइपलाइन पे है। डॉलर येन आप देखो कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके ये अभी जो ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, अभी भी कुछ खास हुआ नहीं है। आरएसआई डेली ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40 अलोंग विथ रेंज शिफ्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अभी तक तोड़ा नहीं है, अभी भी लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस है ऑन प्राइसेस, इसको ऊपर जाना है तो हायर लो फॉर्मेशंस बनाना पड़ेगा, देन ओनली देन द ट्रेंड विल चेंज। क्या ये होता है, ऑल दिस थ्री थिंग्स हमें देखना पड़ेगा। येन आईएनआर यहां पर भी मल्टीपल डाइवर्जेंसेस फॉलोड बाई रेंज शिफ्ट, that may be the in such a scenario we may expect a sharp selling, लेकिन sharp selling अभी तक हो नहीं रहा है क्योंकि the reason I'll get back। आपका एक तो है ये trend line support के नीचे जाना पड़ेगा, then and only then we can expect a good selling here, लेकिन हमें देखना है higher time frame। higher time frame में weekly पे RSI above 60 है, जब तक कि 60 के नीचे नहीं आता है तब तक selling हम expect नहीं कर सकते ज्यादा। the type of selling we are expecting here, यहाँ पे we are expecting a good amount of selling, possibly 50% of this move, यहां से यहां तक का एक 50% डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सेटअप। कन्फर्मेशंस एक तो है ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे कन्विंसिंगली स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देना पड़ेगा, दूसरा वाला है वीकली RSI बिलो 60 आना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन यहां पे कुछ गुड अमाउंट ऑफ सेलिंग वी कैन एक्सपेक्ट। डॉलर एंड कैंडी है 1.3383,
ये देखिए नीचे जा रहा था आराम से बिलो 1.3320 के नीचे भी था, फिर बाउंस बैक किया। अच्छा क्या वेयर इज वी आर लुकिंग फॉर 1.3225। काफी टाइम्स जब प्राइस इस एरिया पे था इन द मंथ ऑफ मिड ऑफ दिसंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1.32, लेकिन ये कहां तक नीचे मारा 1.33। अभी भी चांसेस है जब तक ये प्राइस जो है हायर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस में रहेगा। आप देखो यहां से देखो नॉन स्टॉप लोअर हाई लोअर लो है, दैट बीइंग द केस इसका जो इमीडिएट स्विंग हाई है इज दिस वन, कौन सा लेवल 1.3515, इसके ऊपर क्लोज दे ही देना चाहिए। अगर देगा तो ये जो पैटर्न है that means we are expecting for 1.3225 followed by 1.28. इसको अगर नीचे आना है तो price regularly lower high lower low formations में ही रहना पड़ेगा। I am not telling कि इसको नीचे जाना पड़ेगा, I am talking about the indications, the price action जिसके basis पे हम ये expect कर सकते हैं कि क्या price 1.3225 की तरफ जाएगा, 1.28 की तरफ जाएगा। That is the only question we are asking from the market. This instrument का जो chart है उसके हम पूछ रहे हैं, उसका main criteria क्या है, price should be in non-stop lower high lower low formations करना चाहिए जो अभी तक है, and ये 1.3525 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो ये निगेट करेगा एंड वी विल बी आउट फ्रॉम दिस डिस्कशन कि ये 1.3225 जा सकता है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि 1.28 जाता है या नहीं जाता है। ऑसी डॉलर में पिछले तीन दिन में थोड़ा सा करेक्शंस देखा गया फ्रॉम 1.7115 से, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था 1.7125 के आसपास। पुल बैक इज अ गुड थिंग इफ यू वांट टू बाय। ट्रेंड अपवर्ड है, डेली अबव 60 ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60। एक बार हायर टाइम फ्रेम पे नजर डाल देते हैं, क्विकली ऑल्सो ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60। मंथली आपका है एट 50, तो ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। दैट बीइंग द केस ये जो हफ्ता है दिस करेंट वीक इज वेरी क्रूशियल, क्या प्राइस यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है। दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ ऑसी डॉलर, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। CNH 6.75 कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन इन बिटवीन दिस रेंज आपका, इसको ऊपर जाना है तो 6.79 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। अगर नीचे फॉल होना है तो 6.69 के नीचे जाना पड़ेगा। टिल दैट टाइम इंतजार की इंतजार। यूके ऑयल आपका 89 पे रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आ चुका है, अच्छा खासा करेक्शंस दिया है। हालांकि इसके हाई के ऊपर 89.50 के हाई के ऊपर हमारा जो टारगेट है वो है 95.50। दैट बीइंग द केस इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इसका थोड़ा ऑपरेशन करते हैं, इसका थोड़ा सर्जरी करते हैं। प्राइस एक्शंस आप देखो, हाई लो हाई, अभी एक नया लो बना रहा है ये, कहां पे भी यहां पे बनाएगा या और थोड़ा नीचे आके यहां पे बनाएगा या और थोड़ा नीचे आके फिर घूमेगा या इस लो को तोड़ देगा। That will decide the fate of UK oil.
क्रूड ऑयल। ऐसा लग रहा है कि ये आपका 8350 से 84 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। इट्स अ फील। क्यों? ये जो बोलिंजर बैंड है इसका सेंटर बैंड, इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट। क्या ये होता है या नहीं होता है हमें देखना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड ट्रेजरी 3.53, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया है एंड वेटिंग फॉर टुमोरोज एफओएमसी रेट डिसीजन। यहां पे क्या क्रूशियल है एक बार देखते हैं। यहां से देखोगे नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया अभी ऊपर जा रहा है, लोअर हाई लोअर लो। सो इमीडिएट जो लो है, इमीडिएट जो हाई है, दैट इज दिस वन, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए अगर साउथवर्ड मूव करना है, नीचे की तरफ जाना है। यानी कल के एफओएमसी के बाद ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। क्या लेवल है? 3.5850 या 3.59 के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर देगा तो ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस को निगेट करेगा एंड प्राइस विल बी और द इंस्ट्रूमेंट विल बी इन इनडिसिशन, वॉलेटिलिटी विल बी देयर। मैं ऊपर जाऊं या नीचे आऊं, अगेन वी नीड टू वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशंस कि ये बंदा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इफ फेल टू क्लोज अबव दिस देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि अगेन इट विल ट्राई टू चैलेंज द रिसेंट स्विंग लो दैट इज एट 3.32। क्या होगा हमें देखना है। सो डेली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड